तो बच्चों इस तरह त्रिकोण बना के तीनों साइड का मेजरमेंट लेना है। तुमने मुझे मारा, पहले तुमने मारा। बच्चों ये क्या हो रहा है, मेरी क्लास में हंगामा। चलो दोनों बेंच पर खड़े हो जाओ। शेरा मैंने देखा ये काम टीटू का है, बैक बेंच का फायदा उठाकर वो बहुत मजे करता है। टीचर को बता देता हूँ। नहीं तेज, टीचर को कंप्लेन नहीं, सबूत देना पड़ता है और इसको हम सबूत के साथ ही पकड़वाएंगे। टीटू बैक बेंच का फायदा उठा रहा है ना। मेरा नाम है शेरा, टीटू बैक बेंच छीनूंगा मैं तेरा। तो बच्चों सपने हमेशा बड़े देखने चाहिए। सर टीटू सो रहा है। टीटू कितनी बार कहा है क्लास में सोना मना है। सोऊंगा नहीं तो बड़े सपने कैसे देखूंगा। अरे मेरा वो मतलब नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, दूसरा सोना मना है, लेकिन आपने तो सोना पहना हुआ है। चुप रहो और क्लास में फोकस करो। सर टीटू ने मेरे बाल खींच लिए। टीटू मैंने एक भी बाल नहीं खींचा, आप गिन लो जितने घर से लेकर आया था उतने पूरे हैं। सर टीटू बैक बेंच पे रहेगा तो कुछ ना कुछ करता ही रहेगा। गुड आइडिया। टीटू तुम आगे आकर बैठो। आगे तो मॉनिटर बैठते हैं। मैंने कहा ना आगे आकर बैठो। शेरा तुम पीछे जाकर बैठो। मेरे प्यारे बैक बेंच, टेंशन मत लेना, मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा। टीटू पता नहीं ये फर्स्ट बेंच किसने बनाया था, सारी बैक बेंच ही बना देनी चाहिए थी यार। मेरा तो सिर्फ हाफ टाइम में दिमाग का दही हो गया। फर्स्ट बेंच की आदत डाल लो टीटू, क्योंकि तुम्हारी बैक बेंच तुम्हें कभी वापस नहीं मिलने वाली। टीटू तुम्हारी बैक बेंच तो चली गई, अब मस्ती करोगे तो पकड़े जाओगे पकड़े जाओगे पकड़े जाओगे। यार टीटू तुम तो बैक बेंचर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हो, अगर तुम बैक बेंच पर वापस नहीं आए तो क्या वैल्यू रह जाएगी तुम्हारी। दोस्तों हर जवाब का सवाल हूँ, मचाता बवाल हूँ, अपनी बेंच तो मैं वापस लेकर रहूँगा। बच्चों अलेक्जेंडर ने खुश होकर रानी से कहा कि सॉरी सर। राजा ने खुश होके कहा अरे टीटू बेटा क्या हो गया तुम्हें। सर वो अच्छी तो मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन ये हुआ कैसे। सर मुझे चौक की डस्ट से एलर्जी है, अगर आपको प्रॉब्लम है तो मैं बैक बेंच पर जाकर बैठ जाऊँ प्लीज सर। अच्छी ये तो तुम्हारी चालाकी सब समझता हूँ। नहीं नहीं रुमाल से अपना मुंह ढक लो, चलो नेक्स्ट चैप्टर करते हैं। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है। ये आंखें खोलकर सोने वाला बच्चा मैंने पहली बार देखा है। टीटू टीटू मैंने मुंह पर कपड़ा रखने के लिए बोला था, मुंह ढककर सोने के लिए नहीं। तो ठीक है, ऊपर से कपड़ा ढक गया मुंह पे, बच्चे को नींद तो आएगी ना। अरे यार ये लड़का भी ना ठीक है, कल से तुम पीछे बैठ जाना।
क्या हुआ टीटू, आज तुम्हारी बैंड बजी हुई है? टीवी तो चालू करो, कार्टून देखते हैं। नहीं, आज तो बहुत तेज नींद आ रही है। बस आज की बात है, कल से फिर से अपने बैक बेंच पे वापस। अरे टीटू, चलो स्कूल यूनिफॉर्म उतारो और फ्रेश हो जाओ। देखो, मुझे ऐसी वैसी मम्मी मत समझना। हम टीटू, क्या हुआ, तुम सो क्यों रहे हो? आज स्कूल में सो नहीं पाया मम्मी, इसलिए नींद आ रही है। क्या तुम स्कूल में सोने जाते हो या पढ़ने? टीटू, अरे मेरा बच्चा, सोते हुए कितना प्यारा लग रहा है। पर जब आपका सवाल हूँ, मुझे कब वालू? ओए शेरा, ये मेरी बेंच है। सर ने मुझे पीछे बैठने को कहा है क्योंकि मुझे चौक से एलर्जी है। टीचर ने कहा था और इस बात को एक दिन हो चुका है और अब तो डिसीजन भी चेंज हो गया है। यूजर, शेरा बिल्कुल सही कह रहा है। टीटू, तुम यहाँ आके बैठ जाओ। मेरी एलर्जी? उसका इलाज हो गया बेटा, ये देखो डिजिटल बोर्ड। सर, इसकी क्या जरूरत थी? बेटा, चौक के डस्ट से तुमको प्रॉब्लम थी ना, इसलिए अब ये आ गया। चलो आओ, फर्स्ट बेंच पर बैठ जाओ। अब तो खुश हो? शेरा, लगता है तुम्हें अब बैक बेंचर्स एसोसिएशन में ले जाना पड़ेगा। बैक बेंचर्स एसोसिएशन? हेलो दोस्तों, बैक बेंचर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के पोस्ट से मैं रिजाइन दे रहा हूँ। व्हाट? टीटू, तुम तो हमारे एसोसिएशन के बेस्ट बैक बेंचर हो, तुम रिजाइन कर रहे हो? नहीं। हाँ, लेकिन अब मेरा बैक बेंच मेरे पास नहीं रहा। मेरी क्लास का बैक बेंचर शेरा है, पर देख लो ये बैक बेंचर की रेपुटेशन के लायक है भी या नहीं। बैक बेंचर्स के रूल्स है ना। इस स्कूल में ये एसोसिएशन है, मुझे पता ही नहीं था। ऐसा बहुत कुछ है जो तुम्हें नहीं पता। हमारे स्कूल में हर एक क्लास का एक बैक बेंचर्स ग्रुप होता है। इनमें हर सेक्शन के खास बैक बेंचर्स होते हैं। शेरा, ये है सेकंड ए के बैक बेंचर्स, ये है सेकंड सी के, ये है सेकंड डी के। सेकंड बी से अभी तक सिर्फ टीटू ही था, पर अगर तुम्हें टीटू की जगह लेनी है तो हमारी कंडीशंस पूरी करनी पड़ेगी। मेरा नाम है शेरा, हर कंडीशन करूंगा पूरा। जाओ, शाम को तुम्हारा हिसाब करेंगे। शेरा, ये क्या कर रहे हो तुम? टीटू करता था तो दिखाई नहीं देता था और मेरा दिखाई दे गया। इट्स एन आर्ट, प्रैक्टिस से सीखना पड़ता है। नहीं, शेरा नहीं। शेरा बेटा, तुम तो अच्छे बच्चे हो, तुम्हारे ऊपर ये सब शोभा नहीं देता। सर, इतनी सी बात के लिए आप मुझे बेंच पे खड़ा कर देते थे और शेरा को सिर्फ धमकी? आपकी रेपुटेशन का क्या होगा सर? मैं तो किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन दीवारों के भी कान होते। शेरा, चलो बेंच पे खड़े हो जाओ। ये क्या कर रहे हो तुम? बैक बेंचर्स कभी हार नहीं मानते। तुम्हें इसका बदला लेना होगा। मैं टीटू को क्लास के बाहर देख लूंगा। बैक बेंचर्स हर चीज का जवाब उसी की भाषा में देते हैं। तुम्हें इसका बदला क्लास में लेना होगा। इस इंसल्ट का बदला मैं लेकर रहूंगा और क्लास में ही लेकर रहूंगा। ये चौक किसने फेंका? सर, अरे रे रे रे,
गुरु पे हमला। मैं इतने सालों से बैक बेंच पे बैठ रहा हूँ, मैं मानता हूँ कि मैं बेस्ट स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन गुरु पे हमला कभी नहीं किया, कभी नहीं। और जो बेस्ट स्टूडेंट है बैक बेंच पे जाकर उसकी ये हालत, बाहर लोगों को पता चलेगा तो कहेंगे कि एक मॉनिटर बच्चे को बैक बेंच पे भेजकर खराब कर दिया। टीटू बेटा तुम सही कह रहे हो, ये सब बैक बेंच पे जाने का नतीजा है। शेरा तुम आगे आकर बैठो और टीटू तुम अपनी बैक बेंच पे वापस जाओ। नहीं सर, यहाँ मेरा मन लग गया है। प्लीज बेटा चले जाओ, तुम तो बैक बेंच पे भी अच्छे स्टूडेंट हो। सर यहाँ आपके सामने बैठने से आपके मुंह से आवाज निकल के सबसे पहले मेरे कानों में ही आती है। टीटू तुम्हारी तकलीफ देखकर मन कर रहा है सामने तुम्हारे लिए एक और बेंच लगवा दूं। अरे अरे सर जा रहा हूँ जा रहा हूँ, गुरु की बात कोई कैसे टाल सकता है। थैंक यू फ्रेंड। आपने मेरी बैक बेंच पाने में हेल्प की। हमने तो बस एक्टिंग की है, एसोसिएशन के हेड तो तुम ही हो। पर तुम्हें ये सब आइडियाज आते कहाँ से हैं? हर जवाब का सवाल हूँ, बचाता बवाल हूँ।